नमस्कार। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा 300 करोड़ की नशे खेप पकड़े जाने के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह 300 करोड़ की हेरोइन पाकिस्तान से भारत पहुंचाई थी और अब इस मामले में पाकिस्तानी सेना की भी मिलीभगत सामने आई है। और अब इस मामले में भारतीय सेना ने बीकानेर से दो तस्करों को गिरफ्तार किए है। और जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ से बिल्कुल 50 मीटर पे पाकिस्तानी रेंजर कॉफी टावर पे ड्यूटी कर रहा था, उससे तो ये लगता है कि सब उनके नॉलेज में था और उनके नज़दीक आके बंदे माल निकाल रहे हैं, तो अंदेशा तो यही है कि सब कहीं हो सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वो मिले हुए हैं। देखिए स्पेसिफिकली एज सच वेरी प्री मैच और ये सारी चीज़ें काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होती है, बट ऑफकोर्स जो सारा मोटर सॉपरेटिव दिया गया है इससे सभी लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें पहले भी होते हैं और जो चीज़ें पहले भी लाइफ में आई डाली गई थी। वहाँ से मैच 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान रेंजर्स की चौकी है। ऐसे में पाक रेंजर्स और सेना की इस तस्करी में मेले वध का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से तस्कर भारतीय सीमा के पास तस्करी का सामान लेने पहुँचे थे वैसे ही पाकिस्तान सीमा में भी पहुँचे थे। हमारी तरह वहाँ भी गैर रेंजर्स का तक पहुँचना संभव नहीं था। ऐसे में बिना परमिशन कोई सीमा पर पहुँचता है तो पाकिस्तान रेंजर्स क्या कर रहे थे, तरीके से इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें वो लॉन्ग लंबा भी चल सकता है, पर इन दोनों की बातों से ये पता चल रहा है कि दर में चार आदमी थे ये जो कह रहे हैं, गाड़ी में था और थर्ड आदमी जो है वो या तो अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हो। कायदा पत्थर फेंक गए थे और जिन दो पंजाबी युवकों को तस्करी में गिरफ्तार किए वो भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि उन्होंने पत्थर फेंके थे। इतने पत्थर फेंक गए कि पाकिस्तानी तस्करों को संकेत मिल गए और भारत के बीएसएफ जवान सचेत हो गए, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स को यह पता नहीं कि कैसे संभव हो सका। दरअसल इस मामले में दोनों तरफ से पाकिस्तान और भारत की तरफ से तस्करों ने हेरोइन आने का पत्थर फेंक कर संकेत दिया था। जिस जगह यह कार्रवाई हुई उससे ठीक पास में पाकिस्तान की चौकी है। इतनी हरकत के बाद ही पाकिस्तान की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय बीएसएफ जवानों ने गोलाबारी करके भारतीय सीमाओं में आए तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान तस्करों को पकड़ने के लिए किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बीएसएफ द्वारा 300 करोड़ की हेरोइन जब्त करने के मामले में बीकानेर से दो तस्करों गिरफ्तार किए और इसमें पाकिस्तान सेना की भी मिलीभगत सामने आई है, जिसके पुख्ता सबूत भारतीय सेना के पास है।